बड़ी खबर बक्सर से आ रही है जहां विधि व्यवस्था को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए एसपी मनीष कुमार के द्वारा कई पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है बता दें आपको कि क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए यह तबादला किया गया है लेकिन कुछ लोगों को वर्तमान थाने में ही अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है मिल रही जानकारी के अनुसार आठ पुलिस अवर निरीक्षक को एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरण किया गया है बताते चले आपको कि पुलिस निरीक्षक बिंदेश्वरी राम को डुमराव थाने से अब पुलिस लाइन भेजा गया है वहीं महिला थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक चुनमुन कुमारी को वासुदेवा ओ पी प्रभारी तथा पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार को नगर थाने से नया भोजपुर ओ पी प्रभारी बनाया गया है जबकि फिरोज आलम को अपर थानाध्यक्ष मुरार से अब थानाध्यक्ष नैनी जोर के रूप में बनाया गया है अमरेश कुमार को पुलिस लाइन से अपर थाना अध्यक्ष मुरार का पदभार मिला है लेकिन संजय विकास त्रिपाठी को नगर थाने में ही अपर थानाध्यक्ष का पद दिया गया है हरेश कुमार को मुफसिल थाना में ही अपर थाना अध्यक्ष और महिला थाने में तैनात सुजादा कुमारी को अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है लेकिन बक्सर एसपी मनीष कुमार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपने नए पद स्थानांतरण पर नियुक्ति दे इसके पहले 24 सितंबर को प्रमोशन के साथ ही 17 इंस्पेक्टर को तबादला किया गया था अपराध कानून पर नियंत्रण करने के लिए इन सभी पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है तो अब देखने वाली बात यह हो रही है कि जिस तरीके से बक्सर एस मनीष कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों का एक थाने से दूसरे थाने पर किया जा रहा है तो इसमें अब आ, कितनी क्राइम कंट्रोल होती है और क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे आ, की की जा रही है फिलहाल जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आठ पुलिस और निरीक्षकों का जो है वो तबादला किया गया है तो का... बड़ी खबर बक्सर से आ रही है जहां कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला जो है वो कर दिया गया है एसपी मनीष कुमार के द्वारा यह तबादला किया गया है सभी को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्दी अपने नए स्थान पर स्थानांतरण करें करें और नियुक्ति जिसके बाद यह जो है पुलिस पदाधिकारियों के बीच खुशी का माहौल यू कहा जाए तो बना हुआ है जिस तरीके से मनीष कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों का एक थाने से दूसरे थाने स्थान किया गया है फिलहाल जो खबर निकल कर के सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि आठ पुलिस पदाधिकारियों का जो है वो तबादला कर दिया गया है तो कहाँ कहाँ किसकी तबादला हुई है पूरी डिटेल हमने आपको दे दी तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए है भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ और देखते रहिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो जरूर करें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें